हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रियांश और मेरे चैनल का नाम है रियांश ड्रीम वर्ल्ड। और आज है एक स्पेशल दिन, क्योंकि आज मेरे मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है। तो अभी हम उसी की खुशी में केक काट रहे हैं। मेरे बर्थडे पे मैंने 2 केक काटे थे, मम्मी की एनिवर्सरी मतलब 3 केक काटे थे और मम्मी की एनिवर्सरी पे 2 केक काट रहा हूँ। उल्टा बोल दिया था मैंने। मैंने तो सारी चेरी खत्म, मैं सारी चेरी खत्म कर रहा था। मुझे चेरी बहुत पसंद है, चेरी टी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर पापा ने कहा चेरी छोड़ो, केक खाओ। और आज हम जा रहे हैं सीपी। अभी तो हम रास्ते में हैं और अभी थोड़ी सी देर बस तो पहुंच जाएंगे, और पहुंच भी गए। देखा जादू, मेरा जादू है। अभी हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। और गाइस ये भी धूप सेक रहा है, वैसे भी आज बहुत अच्छा है मौसम। और अभी हम एक दुकान पे आ गए, और फिर ये है एक बहुत विंटेज कार जो कि देखने में भी इतनी सुंदर थी। और पापा देखिए कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे जैसे कि अकेले आए हैं। हम लोग ब्रश सारी सारी ब्रंच करने आए हैं आंध्रा कैंटीन में। और ये है उधर का मेन्यू, इधर बहुत कुछ है। वेज है, नॉन वेज है, इडली है, विदाउट इडली देसी चटनी, डोसा है, और इधर बाहुबली डोसा भी है जो कि बहुत बड़ा है। ज्यादा बड़ा भी मत सोचना, बड़ा है बस। दो डोसा को मिला बढ़िया बाहुबली डोसा जो कि सिर्फ बाहुबली खाता है, कटप्पा नहीं खा पाएगा, बाहुबली ही खा पाएगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम क्या क्या मंगाए। हम सोच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक मंगाए, घी रोस्ट डोसा मंगाए, और भी बहुत कुछ मंगाए। मुझे नॉन वेज वालों का तो नहीं पता, वेज वालों को पता है। मेरी कोल्ड ड्रिंक मतलब कोक और पापा और मम्मी की थम्स अप है। तो पापा और मम्मी की तो एनिवर्सरी है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से एनिवर्सरी बनाई। और ना हम लास्ट में मतलब लास्ट के थोड़े से पहले एक स्पेशल जगह भी गए, और वो आपको बाद में बताएंगे, आप खुद ही देख लेना। बाद में क्या बताएंगे, खुद ही बताएंगे, मतलब खुद नहीं, आपको खुद पता चलेगा। और वो जगह एक नहीं, चलो मैं नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, सीक्रेट लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में नहीं, आपको खुद पता चलेगा। दे दो बच्चों का कैरियर बने, परिवार बना रहे, आपका बेटे का कैरियर बने, जो बने दे दो, मालिक इतना दे, आप लोग को रख रख के बोलो दिल से दुआ। ये पढ़ लिख के पापा मम्मी का नाम रोशन करना, बेटा पान की छोड़ो खुशी से दे दो। आए मेरे बेटा ले, मेरे खुद की लंबी उम्र। तो गाइस हम शाम की पार्टी के लिए कोई अच्छी सी जगह देख रहे हैं, और जो फाइनल रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छा होगा, आपको देख के बहुत मजा आएगा। इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा जितना आपने सोचा नहीं होगा।
तो हम अभी एक सबवे में जा रहे हैं, इसे सबवे बोलते हैं, और हम एक जगह पे पहुंचे जो कि हमें पता चले उधर होता नहीं, और हम जा गए थे तमाशा में, और अभी हम सुबह वेयर हाउस पे गए थे, फिर हमें कोई अच्छी सी जगह मिली ली तो हम वेयर हाउस में ही आ गए। ऊपर वेयर हाउस पापा से कार्ड ले लेना, कर देना। जितना दिल आएगा ना उतने आपके उसमें पैसे हैं भी नहीं। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। अब मैं आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। गाइस, आपको कैसा लगा यहाँ पर, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। गाइस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और अभी आप देखना हमने क्या क्या ऑर्डर किया। हमने इधर ज्यादातर तो जूसेस ऑर्डर किए, इतने सारे जूसेस। मैंने तो मोहितो ऑर्डर किया, मैं तो आधा ही पिया। और मैं आ गया हैंड वॉश करके। और हमारा ये है मेन्यू अंदर का, और पापा ने तो ऑर्डर अभी दे ही दिया था। इधर बहुत कुछ था, पापा ने सारा ऑर्डर दे दिया, अभी खाना भी आ रहा है, और मैंने तो सारा पानी पी लिया था खाना की जगह। और जैसे ही आया खाना, मैंने ऊपर से पापड़ उठाया और खा लिया। जब भी दादी हमारे घर में खाना बनाती है, तब पापा के लिए पापड़ तो बनाती है, तो मैं ही पापड़ उठा के खाता हूँ। ज्यादा मिलता ही नहीं है पापा को। मुझे पापड़ पसंद भी नहीं है तब, पर फिर भी मैं खाता है पापड़। ये देखिए, हाँ, मैंने इधर बहुत कुछ ऑर्डर किया। गाइस, हमने पनीर टिक्का और हनी चिली पोटैटो जो भी बोलना है बोलो, पर हमने ये दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी। वेज का तो इन्हीं में भर गया था, जो नॉन वेज थे उनका मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ऑर्डर किया था। वेज वालों का तो इसी में पेट भर गया। देखिए, मैंने मोहितो पिया ही नहीं, सारा पानी वाला मोहितो पी लिया, पानी पी लिया मैंने सारा। क्योंकि जो ये वेडिका कंपनी है, उसका पानी मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने उसी का पानी पी लिया। और ये मैं फोन में, आप सोच रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ना ये एक ऐसी ऐप है जिससे हम कोई भी गाना पता लगा सकते हैं। आपका नाम नहीं बता रहा। अभी हम इधर से जाने ही वाले थे, और फिर मैं भाग गया, क्योंकि हम फोटो लेने जा रहे थे अपने क्रिसमस ट्री के पास, और क्रिसमस ट्री तो उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। मैं चाहता हूँ मेरा घर, मतलब अपने घर में भी ऐसा ही क्रिसमस ट्री डेकोरेट करूंगा। वो तो आप सबको क्रिसमस पे पता चलेगा कि मैं कैसा क्रिसमस ट्री बहुत अच्छी लगाऊंगा। हाँ।
तो अभी वापस घर जाने का समय आ गया था, हम चल पड़े रास्ते में। अरे मैं एक काम तो भूल ही गया, पान, मीठा पान, वो भी खा लिया। तो फिर हम सीधा चल पड़े अपने घर, वो भी अपनी गाड़ी टनपन से। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।